छोटी सी प्यारी सी लल्लू से आई थोड़ी परी, थोड़ी सी प्यारी सी अच्छी सी। हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। आज देखो मैंने मेरे लाडो को एकदम परी जैसा सजाया हुआ है। कैसी लग रही है मेरी लाडो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप सभी को पता ही है कल मेरी लाडो का नामकरण था, दो नाम इनके ये रहा हैं। एक हाँ, एक है प्रानवी, दूसरा नाम है धारिका। आप लोग मुझे बताइए कि दोनों में से मैं कौन सा नाम रखूं, प्रानवी या धारिका। वैसे तो हम लोगों ने प्रानवी डिसाइड किया है, आप लोग बताइएगा। और मेरी लाडो कैसी लग रही है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अभी ये 12 बजे सब चला जाएगा, तो मैंने सोचा कि एक बार तैयार कर दी, कल अच्छे से कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं। बेतू चले छमायो कर दो, भैया देखो, भैया देखो, बेतू दीदी बुला रही है। दीदी दीदी हाँ बेटा, देखो अभी बोलेगी, नेहा से बात करती है। नेहा बात करो, बेटू इधर दीदी बुला रही है। दीदी 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 नंदन 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 उसका माइंड कर रहा है, वो लाइव दिखा रहा है ना। वो देखो दीदू दीदू दीदी दीदी बड़ी दीदी प्रियो दीदी इधर देखो, दीदी बुला रही है। तो दीदी की बेइज्जती कर दे रही है। नहीं नहीं अभी देखी थी, प्रियो दीदी बुला रही है, लाइट वाइट देख रही है ना अभी, इसीलिए सब फ्लावर्स वगैरह दे रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ मैं इनके लिए ना झूला ले ही लूँ। दीदी इधर देखो, देख लो जरा भी गुच्छा हो गया क्या। तुम 14 प्रो मैक्स लेके आओ, फोटो खींचते हैं ना। तू एक्स पे करके खींच, अच्छी आएगी पोर्ट्रेट पे। ए लड़की इधर देख, देखो दीदी बना रही है वीडियो, बनवा लो बेटा। इतनी मेहनत से मैंने इनको तैयार किया है, और पता है मैंने इतना अच्छे से हंस रही थी। क्या क्या अभी अपना वो रील्स जो है या शॉर्ट्स में जाएगा, आप लोग देखिएगा, बहुत बहुत मजा आएगा, क्या अच्छा। ये मत सोचिएगा मैंने यहाँ पर ब्लोवर रूम हीटर लगा दिया हुआ है ताकि मेरी बच्ची को ठंडी ना लगे। ये चल रहा है, हाँ ये देखिए पूरा रूम एकदम गर्म है, मुझे पसीने आ रहे हैं। और मेरी बिटिया रानी आराम से बैठी हुई हैं, इनकी आईज में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया। मेरी बच्ची को ना नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है, और सब बोलते हैं कि वजह तुम हो, क्योंकि इसको टीका उका लगा के रखती हो। मुझे यार बड़ा शौक है छोटे बच्चों को तैयार करने का। देखो रिकॉर्डिंग कर रही है मुझे, है ना सही है। तो ये देखो कैसे खींच रही है। ए ए बेतू क्या कर रही हो? और मैंने सेम इनके जैसा ड्रेस पहना हुआ है, बट मेरा तो कोई वो ही नहीं है। ए बेटू लाडू लाडू, ए लड़की है या परी? मन की तेरा रंग काला रंग काला। ए बेटू डिन 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 डिन। खड़ा करिए अभी, एक्चुअली खड़ी नहीं हो रही है। फिर आ गए पाणे भैया जी, अभी नाचेंगे। तन नचाए भांज अखे सारी इस स्टाइल में, करो भैया नाचो, भैया नाचो। ये देखो ये खुद नाच रही है, देखो मेरा बाल खींच रही है। हां हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मम्मा चैनल। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना। हां परी लग रही हूँ ना, परी हूँ मैं। देखो इधर देखो मेरी बिटिया। ए भैया थोड़ा सा नाइस, ए पिंक लो लो इनका, ये देखो अरे उल्टा कर, नेहा देखा तुमने, देखो ए लो ए लो ए लो। अभी मामी सोचा हम कहे नाइस को के उल्टा कर रहे हैं कहीं भी जाए लिख के। ए लो 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 बेटा पकड़ो लो, निकाल चला मैं घोई नहीं कर ले लो ब्लोवर ताकि रूम गर्म रहे। ए लो ए बेटा, चलो कुछ नहीं, फर्स्ट वाला तो रिकॉर्ड हो ही गया है। तो यहाँ पर मैं प्रियो के साथ मस्ती कर रही हूँ। ये वीडियो मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है, इसलिए शेयर कर रही हूँ। पता है मैंने 3 बार इसे अपलोड किया, और ये वीडियो वर्ल्ड वाइड ब्लॉग्ड था, क्योंकि इसमें जो सॉन्ग यूज हुए थे वो ब्लॉग्ड थे। तो मुझे 3 बार मेहनत करनी पड़ी, कुछ गाने मैंने हटाए फिर वॉइस चेंज किए, नहीं हो पाया। अब मैं 4थी बार इसे अपलोड करने जा रही हूँ, देखती हूँ क्या कुछ होता है। सच बताओ अगर म्यूजिक हटा दूँगी तो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा एडिट कर करके रख रही हूँ। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर लाइक कर देना, और मेरी बिटिया रानी कैसी लग रही है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके तो आप लोग वीडियो एंजॉय करो। यहाँ पर आप प्रियो का रिएक्शन देखिए, जो सॉन्ग बैकग्राउंड में चल रहा था ना उसे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। और ये देखो अपना हाथ पैर ऐसे कर रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी वो। ये
चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर प्रियू इंजॉय कर रही थी तब तक उनकी बड़ी मम्मी बुलाने लगी, ये देखो कैसे छोटे छोटे कदमों से चल रही है। यहाँ पर मैंने म्यूजिक लगाया हुआ था बेटियाँ वाला, बट कॉपीराइट आ गया तो मैंने हटा दिया। मैंने कहा चलो यार वॉइस ओवर ही करते, देखो कितना खुश हो रही है। उसको अगर सामने से कोई बुलाता है ना तो बहुत ही अच्छे से स्माइल करती है और वीडियो बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो सामने कोई रहता है जब वो स्माइल करती रहती है, या फिर फ्रंट कैमरे से बनाओ ना तो खुद को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। मतलब खुद से पता नहीं कितना प्यार है उसे। अभी मिरर के सामने लेके खड़े हो जाओ तो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करती है। कैसी लग रही है बिटिया रानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, प्रियू के साथ अच्छे अच्छे वीडियो बनाए, फोटो क्लिक कराए जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। ये लड़की है या राजकुमारी है? स्वर्ग से उतरी एक अप्सरा है मैडम। यहाँ पर प्रियू अपने पापा के साथ अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करा रही थी जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। थोड़ा सा ही टाइम था सुबह हमारे पास, तो हम लोगों ने ना फटाक से रेडी होके, और प्रियू भी उस टाइम खुश थी तो उसको रेडी किया। इसके बाद रूम में लगाया रूम हीटर ताकि उसको ठंडी ना लगे, और हम लोगों ने फटाक फटाक से सूट किया। अभी लोग आ गए थे तो सारा सब कुछ अपना लेके जा रहे हैं, और अब देखो सब जा रहे हैं घर से, जो ससुराल से आए थे वो भी, चंदन नंदन भी चला जा रहा है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और छोटू भी जा रहे हैं मेरी ननद के बेटे हैं, और जेठानी भी जा रही हैं, सब जा रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सबके पास अपना अपना काम है। कदम मौसा जी जल्दी फिर से आना। हाँ बिल्कुल। अब क्या हो गया?
खाबे भाड़ू दादा लगाए सब लोग मुझे छोड़ के कह लेना पूरी टुक पिछली बार तो ऐसे ही गया था। 15 लोग थैंक यू बुलाने के लिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू आने के लिए। इतना प्यार से बुलाओगे तो आना ही पड़ेगा। अरे बुलाने वाले की नियत देखी जाती है ना। नहीं, मैं तो 2-4 और को बुलाई थी। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही, आप मत डाउट करना। नहीं, बच्चों के लिए भी लगता है ना, भाई कैसे छोड़ सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि 4 दिन पहले मुझे पता चला और 3 दिन पहले आप लोगों को मैंने बताया, क्योंकि मैं खुद ही कंफर्म नहीं थी कि इतनी जल्दी सब कुछ होगा, कैसे करना है नहीं करना है। पहले मैंने इनको बताया, मैं आपको ना रात में होटल का नाम बताती हूँ, फिर मैंने रात में कैंसिल कर दिया कि ज़्यादा लोग आ ही नहीं रहे, सिस्टर लोग भी नहीं आए, उन लोगों का एग्जाम था, फिर हम लोगों ने घर पर ही प्रोग्राम रख लिया। बट बहुत घर पर अच्छा लगा, घर में बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। प्रीति से पता नहीं फोन आया था किसी का, क्योंकि मेरा वाला फ़ोन इन्हीं के पास रहता है। कल इतनी बार फ़ोन कट कर दिया, वही फ़ोन तो तुम उठाती नहीं हो, अब उनको कौन बताए मेरा सुल्तान बच्चा है, वो कट कर देता है। जब शूट वाला नंबर तुम किसी को देती नहीं होगी, ये शूट वाला जिसमें शूट होती है। नहीं, इसमें का नंबर मुझे भी नहीं पता। ये तो अभी जल्दी में लिए है ना फोन, तो हस्बैंड ने इसमें कौन सा डाल दिया, वही मेरा पर्सनल नंबर है। अच्छा अच्छा, वही मेरे पास रहता है। ठीक ठीक है, प्रानवी ना, अपना पहुँच के फ़ोन करना। बहुत अच्छा लगा मुझे अभी। तो प्रत्युष कहाँ गया? ट्रेन में कैसा लगा ब्लॉग, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जिस दिन पार्टी थी उस दिन ज़्यादा इंजॉय करने को नहीं मिला था, तो ये सेकेंड डे का था, तो हम लोग मतलब पूरा डेकोरेशन वगैरह वैसे था, तो हम लोग ने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। सब ने खूब सारा डांस वांस किया था, बहुत ज़्यादा सब ने इंजॉय किया। तो कैसा लगा ब्लॉग, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय।